नमस्कार, तेज अरेना के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हरियाणा की एक बहुत ही अच्छी अपडेट के साथ, वो ये कि पिछले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव के मुकाबले ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो बहुत ही शानदार रहा है, जहां पर हरियाणा के लगभग तमाम यानी कि 22 जिलों से कोरोना के जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हुए और कुल मिलाकर 662 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। हरियाणा में अब ठीक होने वालों का आंकड़ा 26,420 पर जा पहुंचा, तो वहीं पर हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम तो नहीं ले रही है। जहां पर 755 हरियाणा के 22 जिलों से कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं, तो अब हरियाणा में टोटल संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 33,631 पर जा पहुंचा, तो 7 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत, और जिसके बाद आंकड़ा मृतकों का अब 413 पर पहुंचा है। वहीं पर अगर हरियाणा में उपचाराधीन लोगों की बात करें यानी कि सक्रिय केसों की बात करें तो उसकी संख्या 6,798 है। तो ये हरियाणा की हमने आपको पूरी तस्वीर बताई है कि आखिर किस तरीके से क्या स्टेटस पिछले 24 घंटों का रहा। वहीं पर अगर रिकवरी रेट की बात करें तो सुखद बात यह है कि हरियाणा का रिकवरी रेट अब सबसे अच्छा हो गया है, यानी कि 78.56% पर लगातार स्थिर है, और अब तक हरियाणा में कुल 582,639 लोगों के सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिनमें से 543,201 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 5,807 की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतज़ार है। अब नज़र डालते हैं हरियाणा के 22 जिलों पर, जहां पर क्या क्या सिचुएशन कल की स्टेटस रहा है, कितने केस किस जिले में आए हैं। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, यहां पर 91 केस मिले हैं। फरीदाबाद से 198 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। सोनीपत से 26, रोहतक से 35, भिवानी से 4, रेवाड़ी से 32, करनाल से 35, अम्बाला से 75, झज्जर से 2, पलवल से 17, महेंद्रगढ़ से 10, हिसार से 14, पानीपत से 38, नूह से 13, कुरुक्षेत्रा से भी 13, सिरसा से 21, जींद से 43, फतेहाबाद से 18, पंचकुला से 46, यमुनानगर से 14, कैथल से 7, जबकि चरखी दादरी से 3 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। तो यहां पर बता दें 755 पिछले 24 घंटों में कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अब ठीक होने वालों का जिक्र करते हैं, हरियाणा के किन जिलों में कितने कितने मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 165 मरीज फरीदाबाद से ठीक हुए हैं, 92 मरीज गुरुग्राम से ठीक हुए हैं, 66 सोनीपत से, 29 रोहतक से, भिवानी से 3, बिरेवाड़ी से 27, करनाल से 9, 54 मरीज अम्बाला से, झज्जर से 22, पलवल से भी 22, महेंद्रगढ़ से 38, हिसार से भी 22, पानीपत से 44 मरीज, नूह से 4, 9 मरीज कुरुक्षेत्रा से, सिरसा से 1, जींद से 24, फतेहाबाद से 6, पंचकुला से 19, यमुनानगर से 2, कैथल से 3 और चरखी दादरी से भी 1 कोरोना का जो मरीज था वो नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज हुआ है। मृतकों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है, जहां पर एक एक मरीज ने दम रोहतक, सोनीपत और गुरुग्राम में तोड़ा है, जबकि दो दो मरीजों की मौत फरीदाबाद और पानीपत में हुई है। आपसे गुजारिश करते हैं कोरोना से एहतियातन आप सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क रखें, बिना वजह घर से न बाहर ना निकलें। और अब तो 1 अगस्त से पूरे देश में अनलॉक 3 की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर काफ़ी सारी बंदिशें यानी बाधाओं को हटा दिया गया है। अब रात्रि पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कर्फ्यू भी रात्रि का है वो उसको भी हटा दिया गया है। जिम 5 अगस्त से खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो एक बार 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। बाकी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लॉकडाउन नहीं रहेगा, और कुछ एक फैसले केंद्र सरकार ने अपने हाथों में रखे हैं। अब जल्दी से आपको हरियाणा के साथ ही हमने अंक शुरू किया है, देश का भी हाल आपको बताया करेंगे। वो ये है कि हिंदुस्तान में भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या अब तक का अगर जिक्र करें आज सुबह तक के आंकड़ों का, तो 35,000 के पार हो गई। अच्छी खबर यह है कि संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या में तेज़ी से इजाफा दर्ज हो रहा है, और अब तक हिंदुस्तान में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के आंकड़ों की नज़र डालें तो वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना के 15,84,384 केस सामने आए हैं, जिनमें से 35,003 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटों में कोरोना के 50,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं, 779 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। भारत में अब तक 10,21,611 लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर लौटे हैं। अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। हम कामना करते हैं हिंदुस्तान और हरियाणा हमारा जल्द से जल्द स्वस्थ और कोरोना से मुक्त हो जाए। और हरियाणा में भी अगर हम जिक्र करें कि सबसे कम केस तो वो है भिवानी ज़िला,
जहां पर महज 44 एक्टिव केस रह गए, उसके बाद 48 चरखी दादरी में हैं और 77 केस जींद में हैं। तो कामना करते हैं सब जिले जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो जाएं और आप सबका आज का दिन शुभ रहे। यूट्यूब पर तेज रैना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।